Assalamualaikum everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ड से अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई कंपनी है आपकी। ये सैंपल है मेरे पास, एक टेम्पलेट आप समझ लें। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है रिपोर्ट का टाइटल। यहाँ पे जो है वो अगर आप कोई बिजनेस है आपका, उसका आप नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीओ स्टॉप शॉप। तो उसको जो है वो आपने लेंथ इसकी बढ़ानी है और एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है नीचे, अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं 2022, उसकी टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह आप एंटर करना चाहिए वो करें सिंपल। इस तरीके से आप जो है वो अपनी कंपनी का नेम टाइटल में लिख सकते हैं, बिजनेस का नेम। देन जो है वो यहाँ पे आपने लिखना है 2022 या डेट वगैरह मैंशन करनी है। उसके बाद बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड की बात करूं, अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह पड़ी है अपनी कंपनी या बिजनेस के रिलेटेड, तो आपने जो है वो सिंपल यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है और इंसर्ट करनी है इसमें। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो सारे फॉन्ट्स आ गए हैं। ये देखें जरा, ये फॉन्ट्स मैं रखता हूँ। उसके बाद अगर आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं अपने रिलेटेड, वो लिख देखना है यहाँ पे, जो है वो 36 पे। इसके बाद यहाँ पे अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं इसको बोल्ड करें, इटालियन में करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट की ये देखें, बैकग्राउंड थीम उसका देखें किस तरीके का आपने जो है वो कलरिंग करनी है। इसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक कलर्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से जो है वो साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप, ये देखें जरा, साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद हम जो है फिर सेलेक्ट करते हैं इसको, अगर कोई थीम जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं कोई स्टाइल्स वगैरह, तो ये देखें फॉन्ट कलर्स हैं काफी सारा, ग्रेडियंट यूज करना चाह रहे हैं ये देखें जरा। इसके बाद जो है वो अगर ये नीचे वाली पिक्चर्स को जो है वो 2020 में सेलेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई हेडिंग आप बुलेट्स को ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें यहाँ पे सिंपल, देखें आपके सामने एंटर है। इसके बाद अगर कोई हेडिंग्स देना चाह रहे हैं ये देखें, इस तरीके से आप जो है वो हेडिंग्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई स्टाइल्स चेंज करना चाह रहे हैं ये देखें सब टाइटल हेडिंग का, वो आप चेंज करें। इस तरीके से आपने जो है वो प्रॉपरली इसको क्रिएट करना है रिपोर्ट को। ये टेम्पलेट्स है, आपने बैकग्राउंड जो है पिक्चर्स ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिखना है और डेट वगैरह, कंपनी का नेम, जिस तरह मैंने ऊपर जो है वो टाइटल में कंपनी का नेम लिख दिया था, आप जो है वो यहाँ पे कंपनी का नेम लिख सकते हैं। या फिर जो है यहाँ पर आप जो है वो कोई ईमेल ऐड करना चाह रहे हैं, अपना लिंक करना चाह रहे हैं, एड्रेस वगैरह वो आप लिखें नीचे, साथ ईमेल ऐड कर दें या इंटीग्रेट कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसका जो है वो लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पर इंसर्ट करें अपनी कंपनी का लोगो वगैरह, सिंपल नेम लिखें उसका। उसके बाद आता है टाइटल हेडिंग, यहाँ पे अपनी कंपनी के रिलेटेड आपने टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है अपनी कंपनी से रिलेटेड जो कोई प्रोडक्ट, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं एक प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं, कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं एसईओ से रिलेटेड, वो आप जो है वो सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोटेशंस ऐड करना चाह रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, टिप्स वगैरह जिसे ट्रिक्स कहते हैं, वो आप जो है वो यहाँ पे एंटर करके अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट को ग्रो कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं लार्ज स्केल पे यहाँ पे वर्ड से जो है वो टेम्पलेट्स या फिर कोई रिपोर्ट्स को क्रिएट करने से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।